वीडियो चालू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो अभी अधूरी है। एक्चुअली जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था वो बीच में रुक गया, बिकॉज मेरे SMP का रिचार्ज पैकेज खत्म हो गया था। बट आप ये वीडियो देख सकते हो, बिकॉज इससे आगे का काम मैं एक लाइव स्ट्रीम में पूरा कर दूंगा, एंड उस लाइव स्ट्रीम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो या, गो फॉर इट। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। एंड आज हम बनाने वाले हैं एक लावा हाउस। लावा हाउस तो नहीं, बट लावा का यूज करके एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनाई जाती है जो दिखने में बहुत सिंपल होती है, बट हम उसको मॉडिफाई करने वाले हैं। बिकॉज सिंपल सी बिल्डिंग अपने SMP में अच्छी नहीं लगेगी, तो वी नीड टू मॉडिफाई इट। इस वॉन्डरिंग ट्रेडर को देखो भाई, कहीं पे भी टपक जाते हैं। वैसे ये वॉन्डरिंग ट्रेडर मेरे काम का हो सकता है अगर ये मेरे को स्लाइम दे रहा है। वैसे मैं चेक करूंगा कि ये क्या दे रहा है मेरे को। आज हम बनाने वाले हैं एक लावा हाउस। लावा हाउस इन द सेंस, हम लावा का यूज करके एक हाउस बनाएंगे। ओए वंडरिंग ट्रेडर भैया, रुको, क्या दे रहे हो? स्लाइम तो दे ही नहीं रहे। वैसे एक गाइस, मेरे पास एक ट्रेडर आया था जो स्लाइम दे रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मेरे पास टाइम ही नहीं था, तो मैंने गेम एग्जिट कर दी थी। और वापस आके देखा तो वो वंडरिंग ट्रेडर वहां से जा चुका था, तो उसका मेरे को थोड़ा सा रिग्रेट है। तो मैं वेट करूंगा कि काश एक और वांडरिंग ट्रेडर आ जाए जो मेरे को स्लाइम दे सके, बिकॉज मेरे को एक शुगर केन फार्म बनाना है जिसके लिए स्लाइम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो जो हम अपना लावा हाउस बनाने वाले हैं वो बनाएंगे हम उस डायरेक्शन में। ये हमको बैम्बूज यहाँ से खत्म करने पड़ेंगे, बिकॉज ये अपने को परेशान करेंगे। सारा सामान मैंने इसमें रख लिया है, इन वाली चेस्ट में। यू कैन सी जितना भी डेकोरेशन वगैरह का सामान है, थोड़ा बहुत जो हमको जरूरत पड़ेगी वो मैंने इसमें रखा हुआ है। एंड काफी सारी लावा बकेट चाहिए। ऑफ कोर्स लावा हाउस है तो लावा बकेट बहुत सारे चाहिए। वैसे थोड़ी सी लावा बकेट से भी काम चल जाता, बट मैं उसको एकदम परफेक्ट बनाना चाहता था, तो मैंने एग्जैक्टली जितने ब्लॉक्स पे हम लावा डालेंगे उतने ही ब्लॉक्स हमने लावा लिया। मैं क्या कह रहा हूँ आई थिंक वो आपको समझ में नहीं आया होगा, बट या अभी आ जाएगा थोड़ी देर में समझ में, मैं जब वो चीज करूंगा। इसमें क्या रखा है मैंने, अरे इसमें तो कचरा रखा है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मेरे को ये यहाँ से साफ करना पड़ेगा, बिकॉज या ये अपने को नहीं चाहिए। समर्थ, तेरी खेती में यहाँ से उजाड़ रहा हूँ, आई एम सो सॉरी बॉय। चलो तबाही मचा दो इधर, ऐसा लग रहा है डमरू बज रहे हैं। ओके गाइस, सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग, एक और नई सुबह। वैसे जितना भी बैम्बू मैंने लिया है मैं इस कचरा पेटी में डाल देता हूँ। समर्थ का बैम्बू है ये सार का सारा। वैसे तो समर्थ को जरूरत होगी तो वो यहाँ से उठा लेगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, ये जो रोड है इसी की स्ट्रेट लाइन में अपना स्ट्रक्चर बनाएं, बिकॉज मैं इस रोड को एक्सटेंड कर सकता हूँ इस तरफ जो कि जाएगा हमारे उस बिल्डिंग तक। तो सबसे पहले आई नीड सम बिल्डिंग ब्लॉक्स और लावा। तो अपनी पूरी इन्वेंट्री में मैं लावा लावा भर लेता हूँ, और मेरे को पानी का इन्फिनिटी सोर्स भी बनाना है ऊपर जाके। सो आई नीड वन मोर बकेट। मेरे को एक बकेट भी चाहिए, बिकॉज ऊपर जाके इन्फिनिटी सोर्स बनाना है मेरे को पानी का। तो इधर से एक बकेट बन जाएगी। इन्फिनिटी सोर्स ऑफ वाटर बनाने के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 बकेट्स ऑफ वाटर। सो या तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार गाइस, काम चालू करते हैं। इसके लेवल में मेरे को अपनी बिल्डिंग बनानी है, तो यहाँ से स्टोन रखते हैं और ऊपर एक पिलर बनाना है। बाद में भी ये पिलर टूट जाएगा, बट या ऊपर जाके प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ये पिलर तो बनाना पड़ेगा ही मुझे। आई थिंक या यहाँ से सब कुछ दिखता है भाई, देखो। नाउ वी हैव टू एक्सटेंड इट एंड एक प्लेटफॉर्म बनाना है मेरे को। तो 1 2 3 4 5, 5 ब्लॉक इस तरफ, 1 2 3 4 5, 5 ब्लॉक इस तरफ, ऐसे ही चारों तरफ बनाना है मुझे। अब बारी है इसको फिल करने की, तो या फटफट कर देता हूँ वो भी। मैं काम करता हूँ, यहाँ से नीचे पानी डाल देता हूँ, ये मेरे को नीचे आने जाने में हेल्प करेगा। जो चेस्ट लेके आया था उसमें सारा लावा ट्रांसफर कर देता हूँ। आई थिंक पहुंच गया होगा नीचे तक पानी। यस, पहुंच गया। ओ बच गया, अभी मैं पानी से बाहर कूद गया था, और यहाँ मेरा बहुत सारा सामान पड़ा है। एंड और कुछ चाहिए क्या मेरे को? नहीं, आई थिंक नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बट हाँ, आई नीड वन थिंग जो कि है फायर असिस्टेंस पोशन। बिकॉज मैं लावा से काम करने वाला हूँ, तो मेरे को फायर असिस्टेंस पोशन की जरूरत पड़ेगी। तो 8 मिनट का फायर असिस्टेंस पोशन यहाँ पहले से रखा हुआ था। एक इन्फिनिटी सोर्स ऑफ वाटर भी बनाना है मेरे को। तो एक पानी इधर, एक पानी इधर, जो बीच वाला है ये बन गया इन्फिनिटी सोर्स ऑफ वाटर। सो लावा मेरे को ऐसे यहाँ से नीचे गिराना है। होपफुली नीचे जाके ये कुछ नुकसान ना करे। आई थिंक नहीं करेगा, बिकॉज इसके आसपास कुछ है ही नहीं, ये कहाँ से नुकसान कर दे। अगर कोई मेरा SMP मेंबर इस टाइम आएगा और वो देखेगा इस चीज को, तो वो क्या सोचेगा कि पार्टिकल पागल हो गया है, ये पूरे SMP को तबाह करने वाला है।
ओ भाई, एक ब्लॉक लावा कम पड़ गया। स्कैम हो गया अपने साथ गाइस। मेरे पास फायर रेसिस्टेंस पोशन है। क्या लावा में गिरने का फॉल डैमेज होता है क्या गाइस? ओके, अब मैं लावा में गिर भी जाऊं तो मेरे को कुछ दिक्कत नहीं है, बट लावा में गिरने से अगर फॉल डैमेज नहीं होता है तो मैं गिर जाता हूँ। वो काफी स्लो स्पीड है। ओ डैमेज हुआ, मतलब लावा में गिरने का फॉल डैमेज होता है। गाइस लुक एट दिस, कैसा लग रहा है ये। हाँ, एक लावा के लिए नदर में जाना पड़ेगा फिर से। सीरियसली? नहीं, मेरे को याद आया, मैंने एक लावा बकेट रखी हुई थी कहीं पे, तो यहाँ रखी थी एग्जैक्टली इधर, ये रही। हाँ, मिल गया। ओ भाई क्या गजब की चीज लग रही है ये देखने में, मजा आ गया ब्रो। अब मेरे को लावा में चढ़ के ही ऊपर जाना पड़ेगा। कितनी फनी बात है ना, मैं लावा में ऊपर जा रहा हूँ ऐसे, लिफ्ट, लावा की लिफ्ट गाइस, लावा लिफ्ट। कितनी फनी चीज है, मैं लावा में ऊपर जा रहा हूँ ऐसे। फायर रेसिस्टेंस पोशन इज ओपी ब्रो। ओके, हम ऊपर आ चुके हैं एकदम टॉप फ्लोर पे, और जो एक ब्लॉक कम पड़ गया था मैं इधर डाल देता हूँ। यस, ये भी पूरा हो गया। अब यहाँ पे पानी डालने से पहले मेरे को एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। ओके, तो मैंने एक प्लेटफॉर्म टाइप चीज तो बना ली है, एंड नाउ आई हैव टू पुट वाटर। तो एक पानी की बकेट ऐसे डालेंगे इधर। माय गॉड, एक पानी की बकेट इधर डालेंगे। कैसी आवाजें आ रही हैं? ओह वाओ, समर्थ ने अभी अभी गेम ज्वाइन किया। चलो नीचे जाके देखता हूँ कैसा लग रहा है ये। बूम। सो या, इतना तो काम हो गया गाइस। अब मेरे को उधर से पानी का ये ब्लॉकेज हटाना पड़ेगा पूरा का पूरा। सो लेट्स गो। देखो समर्थ भी आ गया इधर। क्या कर रहा है बे? सोच रहा होगा क्या कर रहा है ये पार्टिकल, पागल हो गया। इस प्लेटफॉर्म को भी हटा ही देता हूँ, बिकॉज अब इसका कोई काम नहीं रहा। देखो ये इधर से टूटा हुआ है। ये सब चीज मेरे को शेप में लेके आनी पड़ेगी गाइस। यहाँ से ये भी साफ कर देता हूँ पूरा। समर्स क्या कर रहा है उधर? है चैंटिंग कर रहा है ब्रो। वैसे मैं उससे हेल्प मांग सकता था, बट कोई नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूँ, तो उससे मेरे को ही दिक्कत परेशानी होगी। तो फाइनली समर्थ भी मेरी हेल्प कर रहा है। मैंने बोला ये एक्स्ट्रा स्टोन हटाने में हेल्प कर दे भाई, एफिशिएंसी लेके आ गया। मेरे पास एफिशिएंसी भी नहीं है, वो मैं रिपेयर कर देता हूँ। थैंक यू समर्थ, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू। तो स्ट्रक्चर तो गाइस तैयार है, एंड अब मेरे को इसमें एंट्रेंस बनानी है। एंट्रेंस बनाने के लिए तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4, 4 ब्लॉक इस तरफ अगर मैं छोड़ दूं तो मैं ये वाला ब्लॉक तोड़ सकता हूँ। एंड 1 2 3 4, ये 4 ब्लॉक छोड़ के मैं ये तोड़ सकता हूँ। सो ये रहेगी अपनी एंट्रेंस। एंड अभी तो बहुत सारा काम करना बाकी है गाइस, दिस इज नॉट कंप्लीट। काम करते करते फिर से रात हो गई, मेरे को पता ही नहीं चला यार। बट स्लीप, अभी अभी इस ज़ॉम्बी ने भाई मेरा नेदर का चेस्ट प्लेट तोड़ दिया, बदतमीज। वैसे कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास बहुत सारा नेदरराइट है, मैं फिर से बना सकता हूँ, बट यार मैं भी थोड़ा सा लापरवाही हूँ। तू निकल ले इधर से, मेरी तलवार किधर गई? फायदा उठा रहा है मेरे हाथ में मेरी तलवार नहीं है तो। मेरा नेदरराइट का आर्मर तोड़ दिया उस ज़ॉम्बी ने। मेरे पास काफी सारा क्वार्ट्स ऑलरेडी रखा है, एंड मैं उस क्वार्ट्स को यूज करना चाहता हूँ अपनी इस बिल्डिंग में। आई थिंक मैं 2 क्वार्ट्स ब्लॉक लूँ तो शायद काफी रहेगा। ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्स से बन जाती है ब्रिक, क्योंकि ब्रिक की लुक मेरे को पर्सनली ज्यादा अच्छी लगती है। सो आई विल मेक ब्रिक। अगर मैं इन खाली गैप्स को भर दू इस व्हाइट ब्रिक से तो कैसा लगेगा? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से यहाँ पे रेड कलर ज्यादा अच्छा लगता, बट ठीक है, अगर मेरे को ये ज्यादा सही नहीं लगेगा तो मैं इसको रेड कलर से रिप्लेस कर दूंगा। रेड स्टोन होता है, सो मैं उससे इस रिप्लेस कर दूंगा। बट अभी के लिए मेरे को अपनी डेकोरेशन कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ कुछ ब्रिक्स जो उसको एक अलग सा लुक देंगी आई गेस। यो, तो ये कैसे यहाँ पे रखेंगे, ये कैसे इधर रखेंगे, फिर एक स्टोन बीच में, स्टोन। सो जाता हूँ पहले। एक स्टेयर लगेगी इधर ऐसे, और एक स्टेयर लगेगी इधर ऐसे। तो चारों तरफ के दरवाजे तो मैंने बना दिए हैं। अब मेरे को और भी बहुत ज्यादा डेकोरेशन करनी है, ये अभी नहीं हुई है, अभी कुछ भी डेकोरेशन नहीं है गाइस।
What a trick of people! Bro, मैं artist हूँ guys. I am artist. Please like कर दीजिए video को इसी बात पे. Oh my god, glasses कम पड़ गए guys. Bro, look at this. लग रहा है ना किसी architecture ने बनाया. Thank you guys for your appreciations. वैसे मजाक से हटके ये लग रहा है, ये कुछ तो लग रहा है, मैंने कुछ तो बनाया है. मैंने कुछ तो बनाया है guys.